नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर गया से है, जहां लोक आस्था का महान पर्व छठ व्रत का नहाए खाए के साथ शुभारंभ होने जा रहा है, लेकिन सफाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है तो फल्गु नदी में पानी की कमी है। रबर डैम बनने के पूर्व फल्गु नदी की श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, तो दूसरी ओर रबर डैम के कारण फल्गु में पानी की कमी बताया जा रहा है, तो कैसे देंगी छठ व्रती अर्घ्य। समाज सेवी राम कुमार यादव ने बताया कि आज फल्गु बदहाल हो गई है, केवल देवघाट पर ही पानी है और वहां के पानी से बदबू आने लगी है। सफाई कर्मी पानी में उतरने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पानी में जाने के बाद खुजली होने लगती है। आज ब्राह्मणी घाट पर सफाई व्यवस्था में लगे स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर निगम केवल सफाई का दिखावा कर रही है, तो वहीं नगर निगम के जमादार ने कहा कि जितनी गंदगी फैली हुई है उसे साफ करने में 4 दिन लग जाएंगे। ये देन है, यहाँ लोग माने कहते हैं कुछ पर्व के समय और करते हैं कुछ, लेकिन रहा क्या सवाल? दोषी कौन है? इसके लिए दोषी प्रशासन है। तो क्या आप लोगों ने बात किया प्रशासन से कि इसको मतलब सर? मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया, और मैं हमेशा कह रहा कि जितना भी मनसरवा नाला और ब्रह्मी घाट नाला और पिता महेश्वर नाला और धोबी घाट का नाला को जो बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, जिसको मैंने गंदगी से मुक्त किया जाए। ये गंदगी तो अपने फल्गु नदी तो अपने बदहाली पर हो रहा। ये डैम बनने से सर क्या वहाँ पर यात्रियों को गंगा जल मिल रहा है? गंगा जल मिल रहा है और गया के वासियों को भी सर? तो कहीं ये नहीं लगता कि ये जो डैम है जो काफी जल्दी बन गया है, नाला जो है अभी तक बंद हुआ नहीं और डैम का उद्घाटन पहले हो गया? यही पहले से नाला का होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि पाइपलाइन के द्वारा, अभी काम लगा हुआ है, खाली ढलैया करके नाला को बहावेंगे फिर भी नदी में सेवरेज होगा, लेकिन पाइपलाइन के द्वारा विथो शरीफ पर ले जा करके ट्रीटमेंट पॉइंट से पानी को साफ करके खेतों में जाए और बचा हुआ कचरा जो है खाद के रूप में काम आवे, और यहाँ स्वच्छ जल भी बढ़ेगा। नदी अपने बदहाली पर रो रहा है। अभी तो दूषित पानी का बहाव है? अभी का दूषित पानी का बहाव है। हाँ, वहाँ पर मनसरवा नाला के पास यहाँ के स्वयंसेवी संगठन और नगर निगम के जो कर्मचारी लोग हैं उसको लेके और अपना लोग लगा के वो वहाँ पर काट दिया है और बह रहा है पानी, लेकिन देखिए किस तरह से पानी बह रहा है।